टुनटुनी फोन पर बात किए हुए रोए जा रही थी। उधर से उसकी माँ समझाते हुए उसे चुप कराती है। मम्मी, मेरे काले रंग के लिए यहाँ सब मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं काले रंग की हूँ, क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? अब तो मेरा मन बहुत खराब होता है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी। मैं बहुत परेशान हूँ। रो मत बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वालों को तेरी अच्छाई का एहसास जरूर होगा। टुनटुनी फोन रख देती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं और आपके घुटनों में दर्द है और मैं जा नहीं सकती। मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने लगी हूँ। अरे तो ये टुनटुनी क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख कर मेरा दिमाग और खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। टुनटुनी, जाओ बाजार से रसोई के सारे मसाले खरीद लाओ। एक भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। मैंने सारे मसाले लिस्ट में लिख दिए हैं। जी भाभी, ले आती हूँ। हमारी किस्मत फूटी थी जो ऐसी काली बहू मिली। थोड़ा ऐसा मसाला भी ढूंढ लाना जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रहती है, क्योंकि ये सब तो वो रोजाना ही सुनती थी। टुनटुनी बाजार तो चली जाती है, लेकिन उस दिन सारी दुकानें बंद थी। भैया, ये राशन की दुकानें क्यों बंद है? बहन जी, सोमवार को सारी दुकानें बंद रहती हैं। अरे हाँ, आज तो सोमवार है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। टुनटुनी को ध्यान नहीं रहा, लेकिन उसकी सास और जेठानी को ये बात अच्छे से पता थी। मम्मी जी, हमने अच्छा किया, आज सोमवार की छुट्टी है। वो बेचारी टुनटुनी बाजार में मसाले की दुकान ढूंढ रही होगी। आप टुनटुनी को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। छोड़ना भी नहीं है, मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमती रहने दो धूप में बाजार में, जब खाली हाथ लौट कर आएगी तो अच्छे से सुनाऊंगी। टुनटुनी बहुत परेशान थी, बाजार में मसाले की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। टुनटुनी घूमती रही। दोपहर में धूप बहुत तेज हो गई। टुनटुनी को प्यास भी लगी थी। वो दुकान से पानी खरीदने जाने लगी तो वो सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखी। हे भगवान, ये कौन है? लगता है बिचारी धूप से बेहोश हो गई है। मैं अभी भैया से पानी खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी पानी की बोतल खरीद कर उस औरत के पास जाती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। फिर बूढ़ी अम्मा होश में आ जाती है। शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की। आज के जमाने में कौन किसकी परवाह करता है। बेटी, एक काम और कर दो। कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी अम्मा, चलिए। टुनटुनी उन बूढ़ी अम्मा को उनके घर तक छोड़ देती है। बातों ही बातों में टुनटुनी बूढ़ी अम्मा से अपनी बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं किसी जमाने में एक मशहूर जादूगरनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें जादुई मसाले दूंगी। उन मसालों के इस्तेमाल से सभी लोगों का व्यवहार अच्छा हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे। ये सब भूल जाएंगे कि तुम्हारा रंग काला है। इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी बेटी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, संडे के दिन इस मसाले का जादू काम नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी अम्मा, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। टुनटुनी जादुई मसाले लेकर घर आ जाती है। मसालों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि उसकी जेठानी और सास उसे कुछ नहीं बोलती। रात को खाने में वो उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करती है। जादुई मसाले अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। वाह, क्या सब्जी बनाई हो टुनटुनी बहू। अब चलो तुम भी बैठ कर खा लो, सुबह से काम में लगी हुई हो।
हाँ हाँ आओ तुम भी खा लो, बाकी की रोटियाँ मैं बना दूंगी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन जब संडे आया तब टुनटुनी को चिंता होने लगी। आज तो संडे है, ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए, आज मैं कमरे में रहूंगी। टुनटुनी चुपचाप अपने कमरे में सो जाती है, तभी रात को उसकी सांस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीनू बहू जल्दी से आओ, मेरी सांस फूल रही है। अपनी जेठानी के साथ मीनू भी अपने सास के कमरे में आती है। सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। दीदी हम मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है। टाइम पर इलाज मिलने से उसकी सास जल्दी ठीक हो जाती है। बहू हमें माफ कर दे, हमने तेरे सांवले रंग की वजह से तुझे कितने ताने सुनाए हैं, हमें माफ कर दे बहू। अरे ये क्या, मसाले का असर तो खत्म हो चुका था, लेकिन टुनटुनी की सास टुनटुनी की तारीफें किए जा रही थी। टुनटुनी सच्ची और लगन से अपनी सास का दिल जीत लेती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में चिड़ियों का एक आसियाना था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी, वे दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। बच्चों मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आप दोनों अच्छे से खा लो और खा के पढ़ाई करो। जब अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है तो उसकी बेटी मुनमुन उससे बोलती है, माँ मुझे भी नई पिचकारी चाहिए, मेरे सारे दोस्त होली पे नई नई पिचकारी लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इस होली पे नई पिचकारी दिला दूंगी, लेकिन तुम मन लगा के पढ़ाई करो, तभी हमारी गरीबी दूर होगी। ठीक है माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। टुनटुनी चिड़िया सेठ कालू कौवे के यहाँ काम किया करती थी। वैसे तो सेठ कालू कौवा बहुत ही धनी था, लेकिन अंदर से बहुत ही लालची और निर्दयी था। होली आने से कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। सेठ जी होली आने वाली है, अगर आप इस महीने की तनख्वाह थोड़ी पहले दे देते तो। अरे वाह टुनटुनी, एक तो तू काम भी ठीक से नहीं कर रही है और तनख्वाह भी तुझे पहले चाहिए, वाह भाई वाह। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना सारा काम मन से करती हूँ, नहीं तो आप सेठानी जी से पूछ सकते हैं। अरे तुम मुझसे जबान लड़ा रही है, चल जा घर का सारा काम खत्म कर, नहीं तो आज तुझे काम से ही निकाल दूंगा, चल भाग यहाँ से। उसके बाद बिचारी टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सेठानी जी के पास आती है और उनसे बोलती है, मालकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, क्या आप सेठ जी को बोल के कुछ पैसे दिला दोगी। सेठानी सुंदरी कौवी बहुत ही दरिया दिल चिड़िया थी, वो टुनटुनी से बोलती है, हाँ हाँ टुनटुनी तू चिंता मत कर, मैं तेरी तनख्वाह होली से पहले ही दिलवा दूंगी। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। मिट्ठू अपनी माँ से बोलता है, माँ होली के दिन आप कौन सी मिठाई बनाओगी। बेटा अभी मुझे काम के पैसे नहीं मिले हैं, अगर मिलेंगे तो मैं तुझे कुछ ना कुछ बना के खिला दूंगी। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है तब उसका बेटा मिट्ठू उससे बोलता है, माँ आज तो मेरी स्कूल की छुट्टी है, क्या मैं आपके साथ काम पर चलूं? ठीक है बेटा, लेकिन तुम वहाँ जाकर कोई शैतानी मत करना। उसके साथ मिट्ठू सेठ जी के घर जाता है। जब वे सेठ जी के घर पहुँचते हैं तो टुनटुनी मिट्ठू से बोलती है, बेटा तुम यही रुको, मैं अभी काम करके आती हूँ।
इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया काम पर चली जाती है और मिट्ठू भी सोफे पे जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ सेठ का बेटा पिंटू कौआ आ जाता है और बोलता है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्ठू बहुत ही घबरा जाता है। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। अरे तो टुनटुनी का बेटा है ना? हाँ जी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी? तेरा बेटा यहाँ रखी हुई सारी चीजों को छू रहा था। अगर कोई भी चीज गायब हुई ना तो मैं तेरी सैलरी से भरपाई करूँगा। बेटा मैंने तुझे मना किया था ना किसी भी सामान को छूने को। माँ मैं बस देख रहा था। सेठ जी माफ कर दीजिए, छोटा बच्चा है, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवे का बेटा बहुत ही शरारती था। उसने अपने पापा का वॉलेट चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। अब मजा आएगा। इधर कालू कौवे को जब वॉलेट नहीं मिलता है तो वह टुनटुनी के बेटे मिट्ठू पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। टुनटुनी कल से मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, जरूर तेरे बेटे ने ही चुराया होगा। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा बेटा चोर नहीं है, उसने आपका वॉलेट नहीं चुराया होगा। चुप कर टुनटुनी, तेरे बेटे ने ही मेरा वॉलेट चुराया है। अब तुझे 2 महीने यहाँ मुफ्त में काम करना होगा और काम नहीं किया ना तो मैं तेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे सेठ जी मैं बिना पैसों के काम कैसे करूंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और इधर सेठानी को वॉलेट मिल जाता है। अच्छा बेटा तूने इसे चुराया और इल्जाम टुनटुनी के मिट्ठू पर लगा दिया। उसके बाद वे सभी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं और होली की बहुत सारी बधाई देते हैं। सभी मिलकर खुशी खुशी होली मनाने लगते हैं।